अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं बहुत खुश हूँ, वो इसलिए कि आप लोगों को पता है कि हमारे सिटी के पास वाला जो सिटी है वहाँ पर चंद दिन पहले सैलाब आया था, जिस वजह से लोगों के काफ़ी नुकसान हुए, उनके घर वगैरह गिर गए। आज वो लोग बेयारो मददगार बेसहारा होकर रोड पर कैंप लगाए आस लेकर बैठे हैं कि कोई हमें खाना पहुँचाएगा, कोई हमारी आकर मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नाज़रीन किराम, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आप लोगों को पता है जैसा कि चंद दिन पहले हमारे सिटी के पास वाला जो सिटी है पौंसा शरीफ, वहाँ सैलाब आया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी विलेजेस का नुकसान हुआ है, जिनमें लोगों की जानें भी चली गई हैं। आज वो लोग बेयारों मददगार रोडों पर कैंप लगाए इस आस के साथ बैठे हैं कि कोई अल्लाह का भेजा आएगा, हमारी मदद करेगा, हमें खुराक पहुँचाएगा, क्योंकि उनके घर वगैरह सब कुछ गिर गए हैं। आज उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आज मैं इसलिए खुश हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से आज उनके लिए खुराक का बंदोबस्त हुआ है। आज स्पेशली थैंक्स कहता हूँ मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट का, जो कि यूके में है। आज उस वेलफेयर की वजह से इन सैलाब ज़दगान लोगों में जो है खुराक तकसीम की जा रही है। अल्लाह पाक इस वेलफेयर के तमाम मेंबरान को सलामत रखे और इनके कारोबार में बरकतें अदा करे, जिन्होंने आज हमारे सिटी के भूखे लोगों के बारे में सोचा, इन गरीब फैमिलियों के बारे में सोचा, उनके लिए आज खाने का बंदोबस्त किया। अल्लाह पाक उनके तमाम मेंबरान को सलामत रखे, आमीन। सो आप लोगों को जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये इनका चैनल है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी, आप देखेंगे, क्योंकि इस वेलफेयर ने इधर पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे काम करवाए हैं और ये काम अभी भी कंटिन्यू है। जिस तरह आज उनकी तरफ से ये बिरयानी का बंदोबस्त किया है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी हैं। तो अभी जी इनको प्लास्टिक बैग में पैक करते हैं और वहाँ चलते हैं उन सैलाब ज़दगान लोगों में, जी ये बिरयानी तकसीम करते हैं। नहीं ठीक है,
मैं स्पेशली दुआगो हूँ अपनी सिस्टर नाज़ तैयब का, जो कि ये वेलफेयर को चला रही हैं माशाल्लाह, जो ये इस वेलफेयर को मैनेजमेंट कर रही हैं। अल्लाह पाक उनकी वालदा को और उनके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि ये वेलफेयर भी उन्हीं की वालदा और उन्हीं के भाई के नाम से है। अल्लाह पाक इस नेक महीने के सदके उन दोनों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, सब कहें आमीन। अल्लाह पाक हमारी ये दुआ कबूल करे और अल्लाह पाक हमारी भी ये भाग दौड़ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन।